नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कई महीनों तक बंद रहने के बाद सोमवार से यानी आज से यानी 7 सितंबर 2020 से देश में मेट्रो सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अगस्त के आखिर में केंद्र सरकार ने अनलॉक के चौथे चरण में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत सरकार ने 7 सितंबर यानी सोमवार यानी आज से राज्य से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा फिर शुरू करने के लिए कहा है। हालांकि सरकार ने यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे एहतियाती उपायों का ध्यान रखने की हिदायत दी है और कहा है कि उन्हें अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 सितंबर को कहा था कि मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 7 सितंबर से शुरू की जाएगी और 12 सितंबर तक सभी मेट्रो लाइनों पर परिचालन बहाल हो जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन जहां लॉकडाउन 30 सितंबर तक लागू रहेगा, वहां पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। मेट्रो में सफ़र करने के लिए वो 10 बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। पहली, दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि महामारी के दौर में यात्री कम से कम 10-15 मिनट पहले यात्रा शुरू करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर यात्रियों के लिए सैनिटाइजर्स की व्यवस्था होगी। प्रवेश से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसके बाद सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही मेट्रो से यात्रा करने की अनुमति होगी। तीसरी अहम बात यह है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी स्टेशन पर और ट्रेनों के अंदर भी मार्किंग की जाएगी, जिनका यात्रियों को पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मेट्रो ट्रेन स्टेशनों पर नहीं भी रुक सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए यात्रियों की के सीमित मात्रा में हैंड सैनिटाइजर पास रखने की इजाज़त होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि यात्री 30 मिलीमीटर सैनिटाइजर की बोतल यात्रा के दौरान अपने पास रख सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों के सहूलियत के लिए स्टेशन के भीतर जगह जगह पर उनके लिए ये नियम लगाए गए हैं। साथ ही कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो भी टीवी स्क्रीन पर चलाए जाएंगे। छठी बात यह है कि सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए स्टेशन में प्रवेश से पहले लेकर बाहर निकलने तक मास्क पहनना ज़रूरी होगा। जिनके पास मास्क नहीं है, उनके लिए मास्क खरीदने की व्यवस्था स्टेशनों पर की गई है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 2 या 3 लोगों को प्रवेश की इजाज़त होगी। इसी तरह एक्सेलेटर पर भी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेन के भीतर साथ साथ बैठकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। इसके लिए सीटों पर स्टिकर चिपकाए जाएंगे। यात्रा के दौरान कम से कम सामान और कोई भी धातु का सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नौवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्री आराम से ट्रेन में प्रवेश कर सके, इसके लिए ट्रेन स्टेशन पर कुछ सेकंड अधिक रुकेगी। यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर सभी स्टेशनों की और ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। दसवीं और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है, किसी सतह को छूने से वायरस न फैले, इसके लिए मेट्रो कैशलेस तरीके से काम करने पर तवज्जो देगी। स्मार्ट कार्ड और ऑनलाइन लेन देन का बढ़ावा दिया जाएगा। कार्ड रिचार्जिंग भी कैशलेस तरीके से होगी। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप से इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो सेवा फिलहाल सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से रात 8 बजे तक चलेगी। दिल्ली में 7 सितंबर यानी आज येलो लाइन के साथ मेट्रो सेवा शुरू होगी। बाद में 9 सितंबर से ब्लू लाइन सेवा, 10 सितंबर से रेड ग्रीन
पर्पल लाइन और 11 सितंबर से लाइन 8 और 9 को खोला जाएगा। चेन्नई मेट्रो के बारे में बात करें तो 7 सितंबर से चेन्नई मेट्रो सेवा भी शुरू होगी। यहाँ सवेरे 7 बजे से ट्रेनें चलना शुरू होगी। मुंबई मेट्रो की बात करें तो देश में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है और यहाँ राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अनलॉक 4 के दौरान राज्य सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा ली है, लेकिन यहाँ मेट्रो सेवा फिलहाल नहीं शुरू करने पर का फैसला लिया गया है। कोलकाता मेट्रो की बात करें तो प्रवेश में कोरोना वायरस में बढ़ते मामलों को देखते हुए कि सितंबर की 2 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेट्रो सेवा शुरू करने की तारीख 15 सितंबर तक पीछे करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके एक दिन बाद सरकार और मेट्रो के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है कि मेट्रो सेवा प्रदेश में 14 सितंबर के बाद से शुरू की जा सकती है। सरकार का कहना है कि वो मेट्रो में सफ़र के लिए वो ई पास सिस्टम लागू करेगी ताकि एक दिन में 45,000 लोगों से अधिक लोग यात्रा न करें। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को कोलकाता में मेट्रो रेल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा जिसके जरिए वो सफ़र के दौरान 4 से 6 घंटे पहले ई पास बुक कर सकते हैं। कोलकाता मेट्रो के ने कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है।